आज रे ऑफ होप लेक्चर सीरीज के 12वें भाग में AIDSO छात्र संगठन के फेसबुक पेज स्टूडेंट प्लेस पर हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लेक्चर सीरीज के इस भाग में बात करने जा रहे हैं भारत के मध्यकालीन इतिहास की विकृति इस विषय पर। भारत के इतिहास में बार बार कुछ विषय उठते रहे हैं, कुछ पर तो भारी विवाद भी होता रहा है। आज का यह विषय भी कुछ कम इंटरेस्टिंग नहीं है। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमने आमंत्रित किया है देश के जानी मानी हस्ती IIT बॉम्बे के प्रोफेसर राम पुनियाने जी को, भूतपूर्व। आज मैं उनके बारे में एक जानकारी भी आपको ये दे देना चाहता हूं कि प्रोफेसर पुनियाने जी इतिहास पर काफी गहरी पकड़ रखते हैं। उन्होंने सांप्रदायिकता और इससे जुड़ी हुई दूसरी चीजों पर काफी रिसर्च किया है और काफी किताबें लिखी है। सर, प्रोफेसर राम पुनियाने जी, हम आपका आज की लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत करते हैं। आज बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। आज के जो विषय है भारत के मध्यकालीन इतिहास की विकृति, आज इस विषय पर हम आपसे कुछ सवाल जानना चाहेंगे, सवालों के जवाब जानना चाहेंगे। आज का देश का जो माहौल है वो आप जानते हैं, तो इस विषय पर आपने काफी कुछ रिसर्च किया है, समझा है, लोगों को रूबरू किया है और देश के इतिहास की, खासकर मध्यकालीन इतिहास की जो जानकारियां आपने अपने वीडियो के माध्यम से, अपने फेसबुक लाइव के माध्यम से, अपने दूसरे साधनों के माध्यम से जो दी है, ये कुछ कम नहीं है। आज हम आपसे कुछ क्वेश्चंस, कुछ सवाल, आज पूरा देश का छात्र वर्ग है, दूसरे नौजवान हैं, मैं आपसे सर पूछना चाहता हूं जी। आजकल कुछ इतिहासकार भारत के मध्यकालीन इतिहास को धर्मों के संघर्ष के रूप में पेश कर रहे हैं, विशेष रूप से मुसलमानों को हमलावर के रूप में चित्रित करने की कोशिश चल रही है। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस बारे में और इस बात को आप किस रूप में देखते हैं और किस रूप में समझते हैं। मैं चाहता हूं आज आप हमारे श्रोताओं को आप इस बारे में जानकारी दें। प्रोफेसर राम पुनियाने जी, प्लीज जी, आप बोलिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि मध्ययुगीन इतिहास का बहुत सांप्रदायिकीकरण हुआ है और सांप्रदायिक ताकतों ने इसका बहुत इस्तेमाल किया है। एक तरफ से मुस्लिम सांप्रदायिक राजनीति ने इसको मुसलमान राजाओं का गौरव बताया कि मुसलमान राजा बहुत बहादुर थे और हिंदू तो कुछ कायर थे, सत्ता हमारे पास थी, हिंदू तो केवल प्रजा थी। ये मुस्लिम इतिहासकार, मुस्लिम सांप्रदायिक राजनीति इस बात को सोचती है।
हिंदू सांप्रदायिक राजनीति उनको एक हमलावर मानती है, आक्रामक मानती है, विदेशी मानती है, और ये मानती है कि इन राजाओं ने भारत के लोगों पर, हिंदुओं पर बहुत अत्याचार किए, जिसके चलते मंदिरों को तोड़ा, जिसके चलते धर्मांतरण किए, जिसके चलते जजिया टैक्स वसूल किया और हिंदुओं पर अलग अलग प्रकार के अत्याचार किए। ये जो इतिहास को देखने का तरीका है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कम्युनल हिस्टोरियोग्राफी। कम्युनल हिस्टोरियोग्राफी का क्या मतलब है? इतिहास में राजाओं को उनके धर्म के चश्मे से देखना। अब ये बात मैं शुरू में साफ कर दूं कि राजा लोग धर्म के मूल्यों के लिए राज्य नहीं करते थे। राजा लोग राज्य करते थे सत्ता के लिए, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए और संपत्ति के लिए। तो ये जो कम्युनल हिस्टोरियोग्राफी है, ये भारत में कैसे आई? तो कम्युनल हिस्टोरियोग्राफी खास तौर से इसका जो प्रवेश हुआ वो अंग्रेजों के राज्य के दौरान हुआ। आपको केवल एक मोटा उदाहरण दे दूं, 1857 की क्रांति लड़ाई, किसान विद्रोह, ये जो हुआ था, अगर उसमें आप याद करें तो उसकी चिंगारी लगाई थी मंगल पांडे जैसे लोगों ने। इस लड़ाई का नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर ने, और बहादुर शाह जफर के साथी थे तात्या साहब टोपे, नाना साहब पेशवा और झांसी की रानी। यानी क्या? हिंदू मुसलमान मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, अंग्रेजों की सत्ता डगमगा गई। तो उन्होंने यहाँ सोचा कि अगर हमको अपना राज्य बरकरार रखना है तो हमको फूट डालो और राज्य करो की नीति लगाना पड़ेगा। और इसके चलते उन्होंने राजा जो सत्ता और संपत्ति से जुड़े थे उनको उन्होंने धर्म के आधार पे जोड़ दिया, और खास तौर से हिंदू लोगों में ये बात फैलाना शुरू कर दी कि मुसलमान राजा आक्रामक थे, वो विदेशों से आए। तो पहली बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमारे देश की सीमा, उस समय इस प्रकार से संविधान नहीं था, उस समय इस प्रकार से देश की सीमाएं नहीं थी, और राजा लोगों के लिए जो सीमा थी वो अपनी तलवार की नोक से अपने राज्य की सीमाएं बनाते थे। तो इसलिए कई लोग बाहर से आते थे, बाहर अंदर क्या है मुझे पता नहीं, उस समय तो इस प्रकार की कोई कल्पना नहीं थी। जहां भी जैसे हिंदू राजा बाली और सुमात्रा तक जाते हैं, हिंदू राजा काबुल और कांधार तक जाते हैं, मुसलमान राजा इस तरफ आते हैं, तो उसके पहले नेपोलियन भी यहाँ आया था, सिकंदर जिसको हम कहते हैं। तो उस समय देश नाम की चीज नहीं थी, जो था वो थी राजाशाही। इस बात को ख्याल कीजिए, ये बहुत सरल कंसेप्ट है और इसको बहुत भ्रमित किया गया है कि नेशन स्टेट ये एक आधुनिक कल्पना है, और ये कल्पना भारत में खास तौर से अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष के दौरान आई। अब देश विदेश को जब हम कहते हैं तो आपको बता दूं कि जैसे खास तौर से आज मध्ययुगीन काल में मुगल राजाओं को सबसे ज्यादा खराब रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो एक आप मन में सवाल पूछिए कि बाबर, बाबर इस तरफ कैसे आया, दिल्ली की तरफ कैसे आया? तो बाबर उस समय काबुल के आसपास राज करता था, और बाबर को निमंत्रण भेजा यहाँ के एक राजा ने जिनका नाम था राणा सांगा। राणा सांगा ने अपने पत्र में लिखा कि बाबर आप आओ, हम दोनों मिलकर पार्टनरशिप में दिल्ली के राजा इब्राहिम लोदी को हराएंगे। तो पहली बात देख लीजिए, इसमें धर्म का कोई एंगल नहीं है। दूसरा, इसको धर्म के एंगल से, धर्म के दृष्टिकोण से लोग प्रस्तुत करते हैं, ये बहुत गलत बात है, क्योंकि राजाशाही मुख्य तौर से एक शोषण की व्यवस्था पर टिकी थी। राजाशाही का मुख्य कैरेक्टर क्या है? तो राजाशाही के मुख्य दो कैरेक्टर हैं, दो इनके प्रतीक हैं, एक लगान का सिस्टम जो गरीब किसान से लेके जमींदार से लेके राजा से लेके महाराजा तक जाता था। अब इसमें जब कोई कहता है कि मुसलमानों का राज था, तो क्या मुसलमान राजा गरीब मुसलमान किसानों से लगान माफ कर देते थे क्या? क्या हिंदू राजा हिंदू गरीब किसानों पर लगान माफ कर देते थे क्या? ये हमारे लिए सोचने का मुद्दा है कि उसको हमने कैसे एक हिंदू मुसलमान के इसमें बदल दिया। तो मैंने आपको बाबर का उदाहरण दिया। दूसरी बात देखिए, यहाँ जिन भी मुसलमान राजा भी दो प्रकार के थे। एक प्रकार के राजा थे जिनको लूट पाट में ज्यादा इंटरेस्ट था। अब यहाँ ऐसा कह दूं क्या कि केवल मुसलमान राजा ही लूट पाट करते थे?
लूटपाट हर एक राजा की फौजें करती थी, इस बात को ख्याल कीजिएगा। हमारे महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज की सेनाओं ने जाके सूरत को लूटा, जाके बंगाल को लूटा, वगैरह वगैरह। तो केवल मैं शिवाजी की बात नहीं कह रहा, जैसे भारत में भी महमूद गजनवी आया, लूटपाट करके चला गया। पर जो मुसलमान राजाओं ने यहाँ शासन किया वो यहाँ स्थायी हो गए और यही जिए, यही मरे, इसी सभ्यता संस्कृति का भाग हो गए। तो उसमें विदेशी देशी की कल्पना गलत है। देशी विदेशी की कल्पना राष्ट्र के बनने के बाद आती है, इस बात को ख्याल कीजिएगा। पहले देश विदेश की कल्पना इस प्रकार से नहीं थी। लोग उसके पहले भी अगर आप जाएं तो जब घुमक्कड़ घुमक्कड़ जातियां होती थी, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, जैसे ईरान के एरिया से आर्य लोग आए, वो भी तो वहां से आए थे। क्यों आए थे भाई? कि ज्यादा हरी घास की तलाश में, पशुपालक थे और पशुपालक लोग देखते हैं कि जहां भी हमारा जानवरों का चारा कम हो गया तो हम दूसरी जगह जाकर सेटल होंगे। तो घुमंतू जातियां पहले थी, फिर राजाशाही हुई, और राजाशाही में अगर आप देखेंगे तो मैं जब स्कूल में था तो सबसे मुझे तकलीफ क्या होती थी, हर साल इतिहास की किताब आप देखो, नए राजा का वर्णन है, उसके साथ नक्शा नया है। आप अगर बाबर से लेके औरंगजेब तक जाओ तो औरंगजेब का साम्राज्य बहुत बड़ा था, बाबर का साम्राज्य थोड़ा छोटा था। तो ये अलायंस करते करते, झगड़ा करते, लड़ाई संघर्ष करते करते इन्होंने अपने राज्यों का विस्तार किया। तो पहले आपने जो सवाल किया है कि इतिहास को देखने का तरीका क्या होगा, तो ये तीन प्रकार के तरीके भारत में प्रचलित हुए और इनके एक जड़ में था, जड़ में थी अंग्रेजों द्वारा यहाँ जो लाई गई कम्युनल हिस्टोरियोग्राफी का तरीका, जिसमें राजा को धर्म के आधार पे प्रस्तुत किया जाता है। आगे मैं बताऊंगा कि राजा लोग कोई धर्म के आधार पे राज्य नहीं करते थे। राजा लोगों के दरबार में जैसे मुसलमान राजा है तो हिंदू राजा भी उसके साथ काम करते थे, प्रशासन तो बहुत बड़ा होता था। उसमें बहुत फेमस उदाहरण है, अकबर के दरबार के नौ रत्न थे, इन नौ रत्नों में बीरबल थे, टोडरमल थे जो हिंदू थे, और अकबर का सबसे महत्वपूर्ण नौ रत्न कौन था? उसका नाम था राजा टोडरमल। राजा टोडरमल सबसे इम्पोर्टेंट क्यों था? वो रेवेन्यू विभाग देखता था, ये सब चीजों को देखता था। अभी जैसे दूसरा राजा का मैं आपको उदाहरण दूं, औरंगजेब। औरंगजेब तो खैर खराब खतरनाक खूंखार हिंदू राजा माना जाता है। औरंगजेब के दरबार में प्रोफेसर अतहर अली की एक किताब है कि कंपोजिशन ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, कंपोजिशन ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन पे उनकी जो किताब है उसमें बताते हैं कि औरंगजेब के आते आते मुगल राजाओं के दरबार में हिंदू राजाओं की संख्या 34% हो गई। और खास तौर से जब हम औरंगजेब की बात करते हैं तो औरंगजेब के साथ मिर्जा राजा जयसिंह, राजा जयसिंह और राजा जसवंत सिंह, ये दो बहुत बड़े राजपूत उनके साथ थे। तो पहली बात का मैं खंडन करता हूँ, देशी विदेशी की कंसेप्ट, देशी विदेशी उस समय ये कंसेप्ट नहीं थी। नेपोलियन सिकंदर भी भारत तक आया, कई दूसरे राजाओं ने भी यहाँ आक्रमण करने की कोशिश की, और मुस्लिम राजाओं के पहले शाक्य हूण दूसरे राजा भी आए जिन्होंने यहाँ राज्य किया, और कई ये राजा जो इस एरिया के थे उन्होंने जाके काबुल, कांधार, बाली, सुमात्रा वहां भी राज्य किया। तो नंबर एक, देशी विदेशी की कंसेप्ट गलत है, ये आधुनिक राज्य के आने के बाद बनती है। पहले राजाओं की सीमाएं जैसे मैंने कहा उनकी तलवार से तय होती थी, जितना बड़ा उसकी सेना, जितनी बड़ी उसका चालाकी, और ये वो अपने राज्य का विस्तार करता था। और तीसरा, मैं बता रहा था तो इतिहास को देखने के तीन तरीके, एक धर्म के आधार पे, जैसे मुस्लिम सांप्रदायिक राजनीति मानती है, यहाँ मुस्लिम लोग 8वीं शताब्दी से आए तो 8वीं शताब्दी से यहाँ मुस्लिम राष्ट्र है। 8वीं शताब्दी में कब? मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पे आक्रमण करके राज्य किया, तो तब से मुस्लिम राजा यहाँ आए, तो अपनी वो पहचान मुसलमान राजा से लेते हैं। और जहाँ हिंदू सांप्रदायिकता है वो ये मानती है कि ये तो हिंदू राष्ट्र है, अनादिकाल से यहाँ हिंदू लोग रहते हैं, इस प्रकार की ये दो। तीसरी जो समझ है
वो है गांधी और नेहरू जैसे लोगों की। गांधी अपनी किताब हिंद स्वराज में लिखते हैं कि यहाँ हिंदू राजा भी थे, मुस्लिम राजा भी थे, सत्ता के लिए उनमें संघर्ष भी होता था और सत्ता करने के लिए वो एक दूसरे से मिलजुल कर राज्य करते थे। तो मुसलमान राजाओं के राज्य में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, हिंदू राजाओं के राज्य में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। तो गांधी कम्युनल हिस्टोरियोग्राफी से उठकर यहाँ का जो राजाशाही का सही चरित्र हमें बताते हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू उसी चीज को, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जिसके ऊपर वो श्याम बेनेगल का सीरियल बना है, भारत एक खोज, पंडित नेहरू बताते हैं कि वास्तव में भारत की सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, कला, इसमें हिंदू मुसलमानों ने एक दूसरे से मिलकर यहाँ का विकास किया। इसको वो गंगा जमनी तहजीब कहते हैं। तो तीन प्रकार का इतिहास हो गया, मुस्लिम सांप्रदायिक इतिहास, हिंदू सांप्रदायिक इतिहास और भारतीय राष्ट्रवादी इतिहास, जो गांधी, नेहरू और बहुत सारे जिनको वामपंथी कह के नीचे गिराने की कोशिश की जाती है, उन इतिहासकारों ने भी इसी आधार पे बात को रखा। और तो ये इन तीनों में खासियत क्या थी, इन्होंने राजाओं की नीतियों को उनके धर्म से नहीं जोड़ा, राजाओं की नीतियों को सत्ता से जोड़ा, संपत्ति से जोड़ा, जो कि उनका एक प्रकार से मुख्य काम था। जी हरीश जी, जी सर, अगला सवाल, काफी अगला सवाल। काफी अच्छा आपने रखा सर। अभी दूसरा सवाल मैं आपके समक्ष पेश करना चाहता हूं कि औरंगजेब को हिंदू विरोधी मुस्लिम शासक माना जाता है और शिवाजी को हिंदुओं के रक्षक के रूप में पेश किया गया है। इसमें वास्तविक तथ्य जी क्या है? ये हम आपसे आज जानना चाहते जी हैं। जी सर। ये पहले मैं औरंगजेब के बारे में बात करूंगा, फिर मैं शिवाजी के बारे में बात करूंगा, दोनों काफी रोचक टॉपिक हैं। अब ये जी। देखिए, जैसे औरंगजेब को हिंदू विरोधी माना जाता है कि दो कारणों से, कि भाई एक तो, तीन कारणों से एक्चुअली। एक तो भाई उसने हिंदुओं के मंदिरों को तोड़कर वहां मस्जिदें बनवाई, दूसरा कि उसने तलवार की नोक पे इस्लाम फैलाया, तीसरे उसने हिंदुओं पर जजिया टैक्स लगाया। ये तीनों बातों को मैं देखने की आपकी कोशिश करूंगा। पहली बात तो ये बता दी मैंने आपको कि औरंगजेब के दरबार में भी 34% अधिकारी हिंदू थे, और कई बार औरंगजेब जब शिवाजी से उसकी मुठभेड़ होती थी तो औरंगजेब खुद नहीं आता था, उसमें आते थे मिर्जा राजा जयसिंह। अब औरंगजेब के बारे में कहा जाता है कि उसने हिंदू मंदिरों को तोड़ा, इसलिए वो हिंदू विरोधी था। तो मजे की बात ये है, यहाँ मैं एक दूसरा शब्द आपको देना चाहूंगा और अंग्रेजी में वो है सेलेक्टिव हिस्टोरियोग्राफी। सेलेक्टिव हिस्टोरियोग्राफी यानी क्या, कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा, औरंगजेब ने मंदिरों को दान दिया, औरंगजेब ने शायद मस्जिदें भी बनवाई होंगी, औरंगजेब ने मस्जिद को भी तोड़ा। तो चार चीजें मैंने आपको बताई, तो उसमें से हम क्या याद रखते हैं औरंगजेब के बारे में, कि औरंगजेब ने काशी के विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ा, ये बात हम याद रखते हैं। उस आधार पे पर हम बाकी भूल जाते हैं कि औरंगजेब ने बहुत सारे मंदिरों को भी दान दिया। तब तो यहाँ मैं अपने साथियों को निवेदन करूंगा कि डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया की किताब फेदर्स एंड स्टोन में काशी विश्वनाथ क्यों तोड़ा गया, इसका कारण दिया गया है, वो आप पढ़ सकते हैं, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। मैं इस बात पर जाना चाहता हूँ कि काशी विश्वनाथ के मंदिर को उसने तोड़वाया और उसी के साथ साथ उसने यहाँ बहुत सारे मंदिरों को दान दिया। अब सोचिए ये किस आधार पे मैं कह रहा हूँ, ये मैं आधार पे कह रहा हूँ डॉक्टर विशंबर नाथ पांडे की किताब, जो उसका एक हमने हमारे सेंटर में पब्लिश भी की थी, फरमान्स ऑफ किंग औरंगजेब। फरमान्स ऑफ किंग औरंगजेब की किताब में डॉक्टर विशंबर नाथ पांडे ने क्या किया, उसने उन्होंने उत्तर भारत के बहुत सारे हिंदू मंदिरों के पुजारियों के पास औरंगजेब द्वारा दिए गए जो फरमान थे, फरमान आप जानते होंगे कोर्ट ऑर्डर, जो राजा का आदेश, ये पुजारी जमा किया। उनको खुद हैरानी हुई कि औरंगजेब ने इतने सारे मंदिरों को इतना इतना दान दिया।
अभी मेरी याददाश्त नहीं है, मैं उतने 100 मंदिरों को आपको नहीं बता पाऊंगा, उसमें से 3 मंदिरों की याद रहेगी मुझे और 1 मंदिर की याद आपको भी रहेगी। अभी आप जानते हैं ये विकास दुबे जो उत्तर प्रदेश में तथा कथित सरेंडर हुआ, कहाँ हुआ? उज्जैन में। कौन से मंदिर के पास? महाकाल मंदिर के पास। दोस्तों महाकाल मंदिर को औरंगजेब ने बहुत बड़ा दान दिया था। नंबर एक, आसाम में गुवाहाटी के पास कामाख्या देवी का मंदिर है, उसको भी औरंगजेब ने दान दिया। और तीसरा, उत्तर प्रदेश में वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के मंदिर को उन्होंने सोने के आभूषण भेंट किए। और अभी क्या होता है, वो सोने के आभूषण कलेक्टर के ट्रेजरी में रहते हैं, और जब कृष्ण जन्माष्टमी आती है तो वो सोने के आभूषण लेकर उनको पहनाए जाते हैं। तो एक तो बात हुई है औरंगजेब का हिंदू विरोधी चरित्र, दूसरा कि भाई औरंगजेब बहुत कट्टर था। अब देखिए, एक ही धर्म में एक सरी के लोग नहीं रहते, एक ही धर्म में एक सरी के नहीं रहते। उसका भाई दाराशिकोह, वो भक्ति परंपरा से प्रभावित था, सूफी परंपरा से प्रभावित था, पावर स्ट्रगल में वो हार गया, औरंगजेब जीत गया। ठीक है, अकबर को देखिए, अकबर भी बहुत सहिष्णु था। अकबर ने तो सुलह कुल की बात की, दीन इलाही नाम का नया धर्म बनाया। क्यों बनाया? कि उसने देखा यहाँ अलग अलग धर्म है और सबको मिलजुल कर चलना चाहिए। ये बात मैं मानता हूँ कि औरंगजेब एक कट्टर मुसलमान था, कट्टर मुसलमान था, पर जहां तक उसके राज्य की नीतियां थी, राज्य की नीतियों में उसने इसको ज्यादा नहीं आने दिया। तो जैसे मैंने आपको बताया कि उसने मंदिर तोड़वाया, मंदिरों को दान दिए, वैसे आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि इसी औरंगजेब ने गोलकुंडा में एक मस्जिद को तोड़वाया। आश्चर्य होगा आपको, क्योंकि हम इतिहास में धर्म 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 ही देखते हैं और जो आर्थिक परिस्थिति है उसको नहीं देखते। अब क्या हुआ, और गोलकुंडा के नवाब तानाशाह ने औरंगजेब को 3 साल तक लगान नहीं दिया। औरंगजेब ने जवाब तलब किया कि भाई आपने लगान नहीं दिया, क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है? तो तानाशाह कहता है कि भाई मेरे राज्य में अकाल है। आपके हरियाणा में ये शब्द पॉपुलर होगा, अकाल, जब पानी कम गिरता है, पानी कम पड़ता है, अकाल है, वो सूखा पड़ा हुआ है, सूखा। जी लोग मुझे लगान नहीं दे रहे, तो मैं आपको लगान कहाँ से दूँ? तो इसलिए फिर उसने अपनी फौज को भेजा और पता लगाया कि तानाशाह ने अपनी सारी संपत्ति एक मस्जिद के नीचे छुपा के रखी है। तो औरंगजेब क्या कर रहा है? औरंगजेब उस मस्जिद को तोड़वा रहा है और वहां से संपत्ति को लेकर आ रहा है। ऐसी एक और बात बताऊं कि महमूद गजनवी, बाय द वे बता रहा हूँ कि महमूद गजनवी का बेटा के बाद के उत्तराधिकारी जब मसूद सत्ता पर आया, तो उसने वेस्ट एशिया में अपनी फौज को भेजा और वहां की एक मस्जिद को तोड़वाया। ये हमारा बहुत संकुचित दृष्टिकोण है कि मुसलमान राजाओं ने केवल मंदिरों को तोड़ा। और इसी बात में मैं आपको एक और बात भी बता दूं कि ऐसे कई हिंदू, जब टीपू सुल्तान का सवाल है तो आगे मैं बताऊंगा इस बात को फिर से। कश्मीर में एक महान कवि थे, उनका नाम था कल्लण। इनकी किताब आजकल भी हमारी लाइब्रेरी में मिलती होगी, उसको आप देखिएगा। उस कश्मीर कवि कल्लण लिखते हैं, 11वीं शताब्दी कश्मीर में एक राजा थे, उनका नाम था राजा हर्षदेव। राजा हर्षदेव ने अपने राज्य के दौरान एक नए ओहदे पोस्ट का निर्माण किया और इस ओहदे का नाम था देवोत्पतन नायक। क्या सोचिए जरा, इसमें 3 शब्द जुड़े हुए हैं, देव भगवान, उत्पतन उखाड़ना, नायक अधिकारी, वो अधिकारी जो देवताओं की मूर्तियों को उखाड़े। इसका अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? राजा हर्षदेव। और आगे कहीं वो लिखता है, भैया वही मूर्तियां तोड़ के लाना जो सोने चांदी की बनी हो, वही मूर्तियां तोड़ के लाना जिसमें हीरे जवाहरात जड़े हों। पत्थर की मूर्तियों के लिए आम लोग तो हैं उनकी पूजा करने वाले। ठीक है, तो ये जो औरंगजेब का एक पहला पहलू कि उसने मंदिरों को तोड़ा इसलिए वो, और दूसरा वो कट्टर मुसलमान था, उस बारे में वो क्लियर था, उसमें कन्फ्यूजन नहीं था। दाराशिकोह और अकबर जैसी बात वो नहीं करता था, वो इस्लाम 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 करता था। कई मौलाना का भी उस पर प्रभाव था, पर इसमें मंदिर तोड़ने का जो कारण है वो सही नहीं है। दूसरा, ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब जब तक 1/4 मन जनेऊ जमा नहीं करता था तब तक वो खाना नहीं खाता था। जनेऊ जमा करना है, यानी
किसी व्यक्ति को मारना, उसका जनेऊ निकालना। पहली बात, जनेऊ केवल अपर कास्ट पहनते हैं, और सवा मन जनेऊ आप जरा कल्पना कीजिए। मन तो आजकल शायद हमारे दोस्त लोग नहीं जानते होंगे, आजकल तो किलोग्राम और क्विंटल आ गया है। एक मन यानी करीब 38 किलो आप समझ लीजिए। तो 1 किलो में कितने जनेऊ आएंगे? मेरे ख्याल से कम 100-200 तो आएंगे। तो 40 किलो में कितने जनेऊ आएंगे? करीब 8,000-10,000। औरंगजेब दिन में 2 बार खाना खाता होगा कम से कम, 3 बार तो हम नाश्ता ब्रेड और नाश्ता लंच और ये करते हैं, कम से कम 2 बार तो वो भी खाता होगा। तो हर बार खाना खाने के पहले 800,000 लोगों को अगर वो मारता, 800,000 लोगों को मारता, उसने 50 साल तक राज किया, 50 साल तक राज किया। अगर ऐसा होता तो कोई यहाँ बचता क्या? कोई अपर कास्ट हिंदू यहाँ बचता? क्योंकि जनेऊ तो सिर्फ अपर कास्ट ही पहनते हैं। तो ये जो पॉपुलर धारणा बनाई गई, आपको बता दूं कि राजा लोग धर्मांतरण के काम में विश्वास नहीं करते थे। राजा लोग, एक ही राजा हुआ है दुनिया में जिसने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया है, और उस राजा का नाम है सम्राट अशोक। और उसने भी जो बुद्ध धर्म फैलाया वो तलवार की नोक पर नहीं फैलाया, उसने प्यार के आधार पे अपने शांति दूतों को भेजकर पूरे साउथ ईस्ट एशिया में बुद्ध धर्म को फैलाया। औरंगजेब भी कई बार क्या होता था, जीता हुआ राजा हारने वाले राजा का अपमान करने के लिए उसको कहता था, तुम अगर मेरा धर्म स्वीकार कर लोगे तो मैं तुमको माफ कर दूंगा। उसके अलावा आम जनता में उसको कोई रुचि नहीं थी धर्मांतरण करने की। अगर 700 साल तक कई मुसलमान राजाओं ने भारत के कुछ हिस्सों पर राज किया है और धर्मांतरण करना उनका उद्देश्य होता तो भारत में कोई हिंदू बचने वाला नहीं था। पर उन्होंने तो वास्तव में, आपको बता दूं कि राजाओं के जो एडवाइजर्स सलाहकार होते थे, प्रशासन में जो लोग होते थे, वो ज़्यादातर अपर कास्ट के लोग होते थे। तो ये दूसरी बात, अपर कास्ट लोग हमेशा, मुसलमान राजा हो या हिंदू राजा हो, प्रशासन में जैसे आज भी वो है, पहले भी वही लोग ज़्यादा होते थे। तीसरी बात, उसने जजिया टैक्स लगाया। अब जजिया टैक्स देखिए कि जजिया टैक्स हर एक मुसलमान राजा ने नहीं लगाया, और जजिया टैक्स औरंगजेब ने लगाया अपने राज्य के 20 साल के बाद। क्या हुआ कि वो उस समय राज्य का विस्तार कर रहा था दक्षिण की तरफ, औरंगजेब सबसे ज़्यादा आया, सभी मुगल राजाओं में औरंगजेब सबसे ज़्यादा दक्षिण की तरफ आया, और उस समय उसके खजाने में कुछ कम पड़ रहा था। और जजिया की जो कंसेप्ट क्या है, जजिया ब्राह्मणों से, बूढ़े व्यक्तियों से, स्त्रियों से वसूल नहीं किया जाता था, ये केवल जो सक्षम कमाने वाले लोग लेते थे। और जजिया था 1.25%, 1.25%। कई लोग कहते हैं कि भाई उसने जजिया इसलिए लगाया कि जजिया से बचने के लिए लोग मुसलमान बन जाएंगे, पर आपको पता है मुसलमान एक टैक्स देते हैं, जकात। जकात कितना होता है? जकात होता है 2.5%। तो कुछ मौलाना ने उसको सलाह दी, जैसे अपने यहाँ भी हर साल तो नए नए टैक्स निकालते रहते, पता नहीं कौन कौन से टैक्स निकलेंगे, शायद अगली बार कोरोना टैक्स आ जाएगा, वो तो मैं नहीं जानता। पर तो जजिया टैक्स जो उसने लगाया वो इस बात के लिए था कि ये जो यहाँ जो मुस्लिम राजा के प्रशासन में जो हिंदू लोग रहते हैं वो धिम्मी उनको कहते थे, उसका मतलब है प्रोटेक्टेड पीपल, वो लोग जिनकी रक्षा राज्य को करनी है, और उसके एवज में उनको 1.25% जजिया देना पड़ेगा। तो ये जजिया टैक्स भी कोई उचित नहीं है क्योंकि धर्म के आधार पे है, पर औरंगजेब ने इस नियत से लगाया था। तो इन तीनों चीजों को अगर आप देखिए, और तीसरा मैंने आपको बताया कि औरंगजेब के बड़े सलाहकार ये हिंदू राजाओं में राजा जसवंत सिंह, राजा जय सिंह थे वगैरह वगैरह, पर एक कल्पना ऐसी पैदा की गई है कि वो बहुत हिंदू विरोधी था। और उल्टा देखिए, इसी का उल्टा पाकिस्तान में भी है, क्योंकि जो कम्युनल हिस्टोरियोग्राफी है ना, वो सिक्के के दो पहलू हैं। यहाँ हम कहेंगे औरंगजेब सबसे खराब था, तो पाकिस्तान के सांप्रदायिक इतिहासकार क्या कहेंगे, औरंगजेब सबसे अच्छा था। जो है उसकी किस्मत, हमको उससे क्या लेना देना आज के समय में, पर ये इस आधार पे उसका मूल्यांकन करना उचित नहीं है। अब शिवाजी महाराज,
अब वो नाथुराम गोडसे की एक किताब है जो गांधी हत्या पे लिखी उन्होंने, वो कहते हैं ये गांधी भी कोई राष्ट्रवादी है क्या? देखिए क्या कह रहे हैं, जो व्यक्ति भारत के आजादी के आंदोलन को नेतृत्व कर रहा है उसके बारे में कहने में कोई राष्ट्रवादी नहीं है। असली राष्ट्रवादी है तो शिवाजी, असली राष्ट्रवादी है तो महाराणा प्रताप। तो पहले देखिए कि शिवाजी महाराज एक अच्छे राजा थे, उनका मैं कारण भी बताऊंगा। और शिवाजी महाराज का अच्छे होने का कारण ये था कि उन्होंने गरीब जनता के कंधे से लगान का बोझ कम किया, उसको रैशनलाइज किया, इसलिए वो एक अच्छे राजा थे। पर ये आपको बता दूं कि वो हिंदुओं के विरोधी नहीं थे, ना वो हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते थे। उन्होंने अपने जो स्वराज की कल्पना की थी वो कल्पना थी कि मैं किसी दूसरे राजा के अधीन नहीं रहूंगा, मैं अपनी सत्ता बनाऊंगा। वो भी राजाओं की एम्बिशन होती है। और पर जहां तक उनका सवाल है, शिवाजी महाराज ने रायगढ़ के किले में खुद के लिए भगवान जगदीश्वर का मंदिर बनवाया, उसी के साथ साथ उन्होंने वहां मस्जिद भी बनवाई। आज तो मस्जिदें तोड़ने की बात चल रही है एक के बाद एक, शिवाजी महाराज ने मस्जिद भी बनवाई। और सरल उनका जवाब था कि मेरी प्रजा में, मेरी रियाया में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, मुसलमान मुझे मिलने आएगा मेरे किले पे, उसके इबादत का वक्त होगा तो वो कहाँ जाएगा, तो उसके लिए उन्होंने मस्जिद भी बनाई। शिवाजी महाराज की सेना में 12 सेनापति ये मुसलमान थे, दौलत खान और ऐसे इब्राहिम गार्दी, ऐसे बहुत, मैं नाम भूल गया हूँ, ऐसे 12 सेनापति थे जो मुसलमान थे। खास तौर से शिवाजी महाराज का तोप खाना का नया डिवीजन उस समय था, आजकल तो बहुत रूटीन चीज हो गई है, उसका इंचार्ज एक मुसलमान था। शिवाजी महाराज की जो नेवल जल सेना थी उसका इंचार्ज एक मुसलमान था, नंबर एक। तीसरी बात, शिवाजी महाराज का सबसे बड़ा जो गोपनीय व्यक्ति था, वो कॉन्फिडेंशियल सेक्रेटरी, उसका नाम था मौलाना हैदर अली। और वो एक फेयर ट्रीटमेंट में विश्वास रखते थे। वो हजरत बाबा जो महाराष्ट्र के हैं एक सूफी संत, उनका बहुत आदर करते थे। और उनकी सेना जब सूरत गई लूटमार करने, ये बात देख ही लीजिएगा, लूटमार केवल चंगेज खान और उन्होंने नहीं किया, वो क्या है अपने सैफ अली खान के ने बेटे का नाम तैमूर, तैमूर, केवल तैमूर ने लूटमार की, बात गलत है, सभी राजा की फौजें लूटमार करती थी। तो शिवाजी महाराज की फौजें भी जब सूरत पे लूटमार करने गई तो उन्होंने अपनी सेना को निर्देश दिया कि आप लूटमार करोगे, लूटमार के समय अगर आपके हाथ में किसी दूसरे धर्म के मानने वाले की पवित्र पुस्तक आ गई तो उसका अपमान मत कीजिए, पूरे आदर के साथ उसको लौटा दीजिए, नंबर एक। नंबर दो, उन्होंने कहा इसी सूरत में फादर एम्ब्रोस पिंटो का आश्रम है, आप उस आश्रम को बिल्कुल नुकसान मत होने दीजिए। तो शिवाजी के ऊपर तो कई अच्छी अच्छी किताबें हैं और उन्हीं किताबों के संदर्भ से मैं आपको बता रहा हूँ। और उसमें ये दिखता है कि वो सभी धर्म के लोगों का आदर करते थे और उनके प्रशासन में हिंदू मुसलमान दोनों थे, उनकी प्रजा में हिंदू मुसलमान दोनों थे। अब कई लोग कहते हैं उन्होंने सूरत पे लूटमार की क्योंकि सूरत में औरंगजेब का खजाना था, औरंगजेब का खजाना था। ये किसने कहा आपको पता है क्या? आपके महामहिम जो सबसे शक्तिशाली 56 इंच वाले रखते हैं व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा। अब कोई उनको बता दे भैया औरंगजेब का खजाना दिल्ली में था कि सूरत में था, एक कॉमन सेंस नहीं लगाया उन्होंने। तो उसको डिफेंड करने के लिए कि सूरत में उन्होंने आक्रमण किया क्योंकि ये औरंगजेब था तो ये मुस्लिम विरोधी चित्र उनको जो दिया गया है वो गलत है। और सबसे बड़ी बात, शिवाजी और अफजल खान की जब मुठभेड़ हुई, शिवाजी और अफजल खान की जब मुठभेड़ हुई तो शिवाजी उस समय वाघ नख लेकर गए और ये वाघ नख ले जाने की सलाह उनको एक मुस्लिम साथी ने दी जिसका नाम था रुस्तमे जमान। तो शिवाजी महाराज एक सब धर्मों का आदर करने वाले व्यक्ति थे, उदार थे, किसानों पर ज्यादा जुल्म नहीं करते थे और उन्होंने लगान का बोझ कम किया। तो ना औरंगजेब को मैं हिंदू विरोधी कहूंगा, ना शिवाजी महाराज को मुस्लिम विरोधी और हिंदू राष्ट्रवाद का प्रतीक मानूंगा। शिवाजी एक अच्छे राजा थे, राष्ट्रवाद का प्रतीक वो ही लोग हो सकते हैं जिन्होंने आधुनिक भारत के बनने में मदद की, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया, अपने मूल्यों को सामने रखा
और राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लिया, जैसे राष्ट्रवादी लोग केवल हमको आजादी के आंदोलन से लेना चाहिए। ये शिवाजी, राणा प्रताप, अच्छे राजा बुरे राजा ठीक है भैया, पर वो राजाशाही थी, राजाशाही में लोकतंत्र नहीं होता, राजाशाही में आप नागरिक नहीं होते, राजाशाही में आप एक प्रजा होते हैं। तो खैर, भले ही हमारा लोकतंत्र इतना मजबूत अभी नहीं है, पर लोकतंत्र की व्यवस्था में राजाओं का बहुत ज्यादा गुणगान ये सही नहीं है, और पर इसको इसका इस्तेमाल लोगों को बांटने के लिए किया जाता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि औरंगजेब, मान लो औरंगजेब मान लो हिंदू विरोधी था, तो उसके लिए आज का मुसलमान जिम्मेदार है क्या? औरंगजेब की छवि आज के मुसलमानों पर क्यों डाली जा रही है? ये दूसरा सवाल है। शिवाजी की छवि आज के हिंदुओं पर क्यों डाली जा रही है? राजा राजा थे, हम लोग आज के नागरिक हैं, और हम एक अलग असूल के आधार पे समाज में चलते हैं, ये बात हमको याद रखनी चाहिए। अगला सवाल। जी सर, अगले सवाल की तरफ अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपने थोड़ा जिक्र भी किया था कि टीपू सुल्तान के बारे में आप बताएंगे, तो हमारा अगला सवाल टीपू सुल्तान से ही जुड़ा हुआ है कि ऐसा लोग मानते जी हैं कि टीपू सुल्तान प्रजा के हितैषी राजा रहे हैं, परंतु कुछ का कहना है कि टीपू सुल्तान सांप्रदायिक राजा थे। हम इस बारे में, क्योंकि ये एक बड़ा विषय है, इस पे काफी बार बहस होती है, बड़ी बड़ी बहस होती है, तो इसके पीछे वास्तविकता क्या है, इसकी असलियत क्या है, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, जी सर। वास्तविकता ये है कि एक आपको पहले मैं घटना बता दूं। एक बार मराठा सेनाएं टीपू सुल्तान पर आक्रमण करने ये मैसूर के पास गई, और ये लड़ाई बिना हार जीत के फैसले के समाप्त हो गई, ड्रॉ हो गई, यानी मराठा सेनाएं टीपू सुल्तान को नहीं हरा पाई। जब वो टीपू सुल्तान को नहीं हरा पाई तो गुस्से में थी, आते आते उन्होंने श्रीरंगपट्टनम का हिंदू मंदिर तोड़ दिया। टीपू सुल्तान ने उसकी मरम्मत कराई, याद रखिए, और यही टीपू सुल्तान कांची काम कोटी पीठम के शंकराचार्य को जब पत्र लिखते हैं तो उसमें उनको जगत गुरु कहकर संबोधित करते हैं। और टीपू सुल्तान के जो सबसे बड़े एडवाइजर, जिसको आज की भाषा में प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं, वो एक हिंदू ब्राह्मण थे जिनका नाम था पूर्णय्या, उनके चीफ एडवाइजर। और टीपू सुल्तान पर आरोप लगाए जाते हैं कि उसने लाखों ब्राह्मणों का कत्लेआम किया, उनको कन्वर्ट करना चाहा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैसूर की जनसंख्या उस समय कितनी होगी, और जनसंख्या में ब्राह्मणों का प्रतिशत क्या होता है? एक तो पहले लाखों ब्राह्मण हो नहीं सकते, नंबर एक। उनके बारे में ये जो बातें फैलाई जाती हैं, टीपू सुल्तान के प्रशासन में भी बहुत सारे हिंदू थे, सेना में भी बहुत सारे हिंदू थे, वो हिंदू गुरुओं का आदर भी करते थे, पर उनके बारे में भ्रांतियां बहुत फैलाई जाती हैं। उसके पहले आपको बता दूं, टीपू सुल्तान वहां की प्रजा में लोकप्रिय है, और हमारे जो मशहूर नाटक और सामाजिक कार्यकर्ता थे गिरीश कर्नाड तो यही कहते हैं कि जो स्थान महाराष्ट्र में शिवाजी का है, कर्नाटका में वही स्थान टीपू सुल्तान का होना चाहिए। उन्होंने तो यहाँ तक रिकमेंड किया था कि बेंगलोर का जो एयरपोर्ट है उसका नाम टीपू सुल्तान के नाम पर होना चाहिए। अब टीपू सुल्तान के बारे में खास तौर से ज्यादा बदनामी क्यों की जाती है? टीपू सुल्तान एक राजा था जो अंग्रेजों के खतरे को देख रहा था, और टीपू सुल्तान एक राजा था जो 1857 की लड़ाई को अगर छोड़े तो उसके बाद अंग्रेजों से लड़ाई करते हुए मारे जाने वालों में टीपू सुल्तान शायद एक ही राजा था। जब उधर से अंग्रेज आ रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हो रहा था, तो टीपू सुल्तान ने मराठा लोगों को लेटर लिखा, मराठा राजा को, आनंदराव पटवर्धन शायद उनका नाम था, और निजाम हैदराबाद को लेटर लिखा कि भैया हम अपने प्रॉब्लम आपस में निपट लें, पर हम अंग्रेजों के साथ न जाएं, ये हमारे लिए एक अलग प्रकार की ताकत होगी,
ये एक विदेशी ताकत होगी जो हमको खत्म कर देगी, क्योंकि इस समय निजाम और मराठा ये सोच रहे थे टीपू सुल्तान को हराने के लिए अंग्रेजों की मदद लेने की, और टीपू सुल्तान उस समय डटकर अंग्रेजों का मुकाबला कर रहा था, क्योंकि टीपू सुल्तान तीसरी एंग्लो मैसूर वॉर में मारा गया, यानी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते मारा गया, और अंग्रेजों को इसलिए टीपू सुल्तान पर बहुत गुस्सा था कि वो उनसे समझौता नहीं कर रहा था, टीपू सुल्तान उनको मैसूर में और उस क्षेत्र में आने नहीं दे रहा था, इसलिए अंग्रेजों को टीपू के खिलाफ बहुत गुस्सा था, तो उन्होंने बहुत प्रोपोगेंडा किया और उस प्रोपोगेंडा के आधार पे लोग इस प्रकार की बात को मानते हैं। और दूसरा क्या हुआ, कई ऐसी कम्युनिटीज थी जिनको ब्रिटिश ने, ब्रिटिश का जो साथ देती थी, तो वो कम्युनिटीज, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, टीपू सुल्तान उन पर अपना एक वर्चस्व रखता था, उनको वो पनपने नहीं देता था, ये बात सही है। तो उसको यहाँ फिर सेलेक्टिव हिस्टोरियोग्राफी आती है कि कुछ घटनाएं लेकर जहाँ उसने कुछ हिंदू कम्युनिटीज को इसलिए टारगेट किया कि वो ब्रिटिश के साथ थी, ऐसे ही उसने कई मुस्लिम कम्युनिटीज को भी टारगेट किया जो ब्रिटिश को हेल्प कर रही थी। तो मुख्य तौर से सवाल सत्ता का था, सत्ता के सवाल को धर्म के नाम पर जोड़ना ये तो खैर सांप्रदायिक राजनीति का रवैया है और उसी आधार पे लोग चलते हैं। जी सर, जी अब अगले सवाल की तरफ हम आगे बढ़ते अगला हैं सवाल। कि जी संघ परिवार के लोगों ने अभी हाल ही में पीछे फिल्म आई थी पद्मावत, उसको केंद्र करके काफी जगह पद्मावत, खूब खूब हाँ पद्मावत, तो उस फिल्म को केंद्र करके उन लोगों ने काफी बर्बरता की थी पूरे देश के अंदर जगह जगह पर। तो इसमें हम ये जानना चाहते हैं कि इस फिल्म के माध्यम से क्या राजपूत इतिहास की विकृति से संबंधित कुछ उसमें था या नहीं था, था तो कितना था, मतलब हम ये आपसे समझना चाहते हैं। जी सर, जी देखिए, जो करणी सेना है, करणी सेना राजस्थान में जो हिंदू राष्ट्रवादी विचारों में विश्वास रखती है, उसने पहले तो फिल्म को बनने के समय भी फिल्म के सेट्स पे हमला किया, फिर हमले किए, उनको डर क्या था कि शायद इसमें दिखाया गया होगा अलाउद्दीन खिलजी सपना देख रहा है कि वो रानी पद्मावती के साथ है, इस आधार पे उन्होंने उस पे अटैक किया, फिल्म को नहीं बनने दिया, और एक बहुत बड़ा प्रोपोगंडा जिसकी परिणति आजकल लव जिहाद टाइप में होती है वो होती है। पहली बात आपको बता दूं, इसके पीछे दो उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य ये कि कैसे हिंदू रानी मुसलमान राजा से जोड़ी जा सकती है, इसकी उनको बहुत तकलीफ है। दूसरी बात आपको सच्चाई ये बता दूं कि पद्मावती नाम की कोई महिला रानी इतिहास में नहीं थी, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। आप इसको मैंने अपने लेखों में डाला है, पद्मावत पे मेरे वीडियोस भी हैं, क्विंट पे भी है, इंडिपेंडेंट भी है। एक्चुअली अलाउद्दीन खिलजी को जैसे फिल्म में इतना क्रूर दिखाया गया है, वो तो संघ परिवार वालों को खुश करता है। अलाउद्दीन खिलजी ऐसा क्रूर नहीं था, आपने फिल्म अगर देखी होगी तो वो कैसे जंगली के जैसा बाल रखता है, कपड़े पहनता है, मांस खाता है, औरतों के पीछे का पीछा करते रहता है। अलाउद्दीन खिलजी ऐसा बिल्कुल नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी ने एक्चुअली दिल्ली में व्यापार सिस्टम, जो मंडी सिस्टम है, उसकी स्थापना की, नंबर एक। नंबर दो, आज जो दिल्ली में हौज खास है, ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया। नंबर तीन, सूरत के जो हिंदू राजा थे उसके साथ उनकी बहुत गहरी दोस्ती थी। अब वो दिल्ली में राज करते थे, अपने राज्य का विस्तार करते थे, और अलाउद्दीन खिलजी का जो वास्तव में ये बात निकली, वो एक मलिक मोहम्मद जायसी नाम के सूफी संत के उपन्यास में ये कल्पना थी। उपन्यास बहुत गहरा है, पुरुषोत्तम अग्रवाल ने उस पर बहुत अच्छी किताब लिखी है, वो आप जरा रेफर कीजिए। ये एक आध्यात्मिक मैसेज देता है कि किसी पर आप शारीरिक रूप से जबरन कब्जा नहीं कर सकते, और आपके उद्देश्य होना चाहिए बहुत ऊंचे। तो वो पद्मावत उसने लिखी, पद्मावत में उसने ये कहानी डाल दी कि अलाउद्दीन खिलजी ने वो
शीशे में पद्मावती को देखा, वो पागल हो गया, उसके पीछे वो तोता हीरा मन वगैरह वगैरह का, अब ये कहानी थी। ये कहानी का क्या हुआ कि जो हमारे गांव के गाने वाले रहते हैं, उसको अंग्रेजी में कहते हैं बार्ड, बार्ड जो गाना गा कर जाके कहीं जाते हैं, तो उन्होंने इस कहानी को पकड़ लिया। इस कहानी को लेकर वो गांव गांव जाते थे और ये गानी कहानी सुनाते थे, और गांव के लोगों ने इसको आत्मसात कर लिया। और 18वीं शताब्दी के बाद जब अंग्रेज यहाँ आए, तो उसमें जेम्स टॉड नाम का एक इतिहासकार था, उसने लोगों के मुंह से जो सुना उसको इतिहास में परिवर्तित कर दिया। आशा आप मेरी बात समझ रहे हैं। एक उपन्यास से बात चालू होती है, लोगों तक जाती है, लोगों के जिंदगी, लोगों की याददाश्त में जिंदा रहती है, उसको पकड़कर अंग्रेज एक इतिहास का रूप दे देते हैं। और इसमें उनका पर्पस क्या सर्व होता है कि मुस्लिम राजाओं को क्रूर बताना, आतंकी बताना, जैसा कि फिल्म में बताया गया है। तो उनको शुरू में लगा कि ये जो पद्मावती के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी की निगाह है, ये हमारे राजपूत राजपूतों का अपमान है, इसलिए करणी सेना ने उस पर आक्रमण किया। पर जब बाद में फिल्म देखी तो मेरे ख्याल से उसमें मिठाई बांटी होगी, अरे ये तो क्या मजे की फिल्म है, इसमें तो अलाउद्दीन खिलजी को इतना खूंखार बताया। और जो इतिहासकार हैं वो हमको बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जो पर्शियन कोर्ट का मैनरिज्म मैनरिज्म है तौर तरीके लेकर चलता था, एक सभ्य व्यक्ति था। और राजा सभ्य हो असभ्य हो, काम तो वही करता है, राज्य का विस्तार। तो राज्य के विस्तार के लिए वो जगह जगह आक्रमण करता था। किसी एक सुंदर स्त्री के लिए वो किसी राज्य पे आक्रमण करेगा, ये केवल कल्पना में ही हो सकता है। कल्पना की उड़ान मजेदार होती है, पर उसको सच मान के उसके आधार पे जो ये चलता है वो गलत है। तो पहले संघ परिवार के लोगों ने इस पे अटैक किया, उनको इस डर था कि शायद अलाउद्दीन खिलजी और पद्मावती का कोई ड्रीम सीक्वेंस, सपने की कोई चीज होगी, इसलिए उन्होंने हमला किया। पर बाद में जब फिल्म देखी होगी उन्होंने, तो मेरे ख्याल से पेड़े बांटे होंगे कि भाई ये तो हमारे एजेंडा में मदद करने वाली फिल्म है, और उसको आगे बढ़ाया होगा। जबकि ये फिल्म फिल्म तो नहीं, जो पद्मावत नाम का उपन्यास है वो उपन्यास है, वो काल्पनिक है, और पद्मावती नाम की कोई महिला इतिहास में नहीं थी। अगला जी सवाल। सर, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने पद्मावत फिल्म को लेकर रखी। मुझे लगता है कि काफी लोगों का इस फिल्म को लेके जो कन्फ्यूजन रहा होगा वो शायद दूर हो जाएगा आज। अब अगले सवाल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। जी सर, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि आए दिन कोई नेता, राजनेता, कोई कुछ, कभी कुछ बोल देता है, कभी कुछ बोल देता है, इस तरह की कंट्रोवर्शियल, खासकर हिस्ट्री को लेके कंट्रोवर्शियल इशू चलते रहते हैं और काफी उन पे डिबेट होती है पूरे देश के अंदर कि क्या सही है, क्या गलत है। तो उसी से जुड़ा हुआ हमारा एक सवाल है, हम आपसे जानना चाहते हैं कि छात्रों को भारत के वास्तविक जो इतिहास है, विशेषकर मध्यकालीन भारत का जो इतिहास, वो कैसे पता चलेगा कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है, खासकर स्टूडेंट्स के लिए आप बताइए। जी देखिए, उसमें पहली बात तो ये है कि हमें अपने इतिहास भी एक विज्ञान है, इतिहास कोई काल्पनिक चीज नहीं है, और इसमें तर्क का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। तर्क, रीजन, लॉजिक, विवेक। पहली बात तो ये सोचने की है कि राजा लोग राज्य क्यों करते थे। अब हमारे यहाँ एक बाइनरी क्या हो गई है, हिंदू राजा वर्सेस मुस्लिम राजा। दूसरा, एक्चुअली अंबेडकर दूसरी बात लिखते हैं, अंबेडकर लिखते हैं कि भारत का इतिहास मुख्य तौर से बुद्ध धर्म के मूल्य और ब्राह्मणवाद के मूल्यों के बीच का संघर्ष है। याद रखिए, मैं मेरी बात को समझिए कि इतिहास को देखने का अंबेडकर का तरीका है कि ब्राह्मण मूल्य, वर्ण जाति व्यवस्था के मूल्य एक तरफ, और बुद्ध धर्म के समता के सिद्धांत, इनके बीच में लगातार भारत में संघर्ष हुआ है। इतिहास के देखने का एक तरीका, सांप्रदायिक ताकतों के इतिहास को देखने का तरीका दूसरा है। वो हिंदू वर्सेस मुसलमान को मान के चलते हैं, उनको लगता है कि
जैसे इसमें जो मुख्य रूप से वो हिंदू धर्म को ग्लोरीफाई करने के लिए कहते हैं कि हिंदू धर्म के अंदर तो कोई बुराई नहीं, स्त्रियों को देवी मानते थे, सब जातियां बराबर थी। मुसलमानों के आने के बाद, अंग्रेजों के आने के बाद यहाँ जाति व्यवस्था में कमजोरी आ गई, हो गया, ऐसा उनको आ गया। तो मैंने जो कोशिश की बताने की, एक तो हिंद स्वराज 3 पेज में महात्मा गांधी ने उसको दिया है। तो पहले तो अपने तर्क का इस्तेमाल कि औरंगजेब धर्म के लिए राज्य कर रहा है या सत्ता के लिए कर रहा है। औरंगजेब मंदिर तोड़ता है, मस्जिद ही तोड़ता है, औरंगजेब मंदिर तोड़ता है, मंदिरों को दान भी देता है। तो यहाँ तर्क जब आप लगाएंगे तो ये बात क्लियर हो जाएगी कि इतिहास को जो सांप्रदायिक तरीके से देखा जाता है, ये सांप्रदायिक अंग्रेजों ने इंट्रोड्यूस किया, सांप्रदायिक राजनीतियां उसको आगे लेकर उसका फायदा उठा रही है। तो इतिहास को देखने का दूसरा मैं एक रिकमेंड करूंगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया पे जो सीरियल बना है, भारत एक खोज, श्याम बेनेगल का, बहुत बढ़िया है, लंबा है पर देखने में आपको बहुत मजा आएगा। और उसमें इतिहास को देखने का जो तरीका है वो एक ऑब्जेक्टिव तरीके से, वो इतना, जैसे एक तो लेफ्ट हिस्टोरियंस है वो बिल्कुल शार्प तरीके से आपको इस बात को बताएंगे, दूसरा गांधी नेहरू है जो एक मध्य मार्ग में चल के इतिहास की सच्चाई को, जो भारतीय राष्ट्रवाद को मैच करती है, उसके आधार पर बताएंगे। तो विद्यार्थियों को तो मेरे ख्याल से तर्कपूर्ण सोच ये हमारे सोचने के तरीके का आधार होना चाहिए। और हम अगर तर्कपूर्ण सोच लगाएंगे तो ये बातें क्लियर हो जाएंगी। और इस पे आजकल तो बहुत कुछ, जैसे मैं कहूँगा कि मध्ययुगीन इतिहास के लिए इनका क्या, मैं सतीश चंद्र की एक किताब है जो अमेजोन पे उपलब्ध है, मीडियवल हिस्ट्री ऑफ मीडियवल इंडिया, बहुत बढ़िया किताब है। और उस पे सतीश चंद्र की एक किताब है, प्राचीन काल का भारत देखना होगा तो रोमिला थॉपर की किताब है अर्ली इंडिया, और आजाद आधुनिक भारत को देखना होगा तो बिपिन चंद्र की इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, और पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, वो भी बिपिन चंद्र का। ये मेरे ख्याल से 4 बहुत उमदा स्रोत हैं जिससे हम मध्ययुगीन राजनीति को, मध्ययुगीन इतिहास को भी समझ सकते हैं। और मैं तो प्राचीन काल में भी बता रहा हूँ, आधुनिक भारत का भी बता रहा हूँ, ये 4 स्रोत बहुत महत्वपूर्ण है। और छोटा सा उसमें खुद ऐड कर दूं कि मोटी जानकारी के लिए मैंने यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, एक राजाओं की सीरीज है, एक टोटल सांप्रदायिकता के सवाल पे है। तो मेरे भी थोड़े से बहुत, सॉरी मैं खुद के बारे में बोल रहा हूँ, तो मैंने भी थोड़ा बहुत उसमें काम किया है, वो भी स्रोत हैं जिसमें मैंने तर्क तर्क के आधार। अब एक बात मैं क्लियर कर दूं, मैं पेशे से हिस्टोरियन नहीं हूं, मैंने हिस्ट्री में पीएचडी नहीं की, मेरा मेरा एमडी कहीं और है, ठीक है। ये मैंने कैसे सीखा, ये मैंने एक पहली बात सबसे मोटे तौर पे मैंने तर्कपूर्ण तरीका जो अपने विज्ञान के बैकग्राउंड से सीखा कि तर्क के आधार पे ही चीजों को समझना चाहिए और थोड़ा गहराई में जाने की जरूरत है। गहराई में जब हम जाते हैं तरीके से समझ सकते हैं, सांप्रदायिक राजनीति के उदय को भी समझ सकते हैं। सांप्रदायिक राजनीति भी जो आई, देखिए भारत बदल रहा था अंग्रेजों के आने के बाद, और आपको पता है जगत हमेशा परिवर्तनशील होता है, अभी कोरोना के कारण तो और भी परिवर्तनशील हो गया, पर वैसे भी उत्पादन व्यवस्था बदलती है, समाज बदलता है, समाज के मूल्य बदलते हैं। तो भारत में अंग्रेजों के आने के बाद एक तरफ उद्योगपति वर्ग आया, फैक्ट्रियां आई, मजदूर वर्ग आया, आधुनिक शिक्षित वर्ग आया, इन लोगों ने भारतीय राष्ट्रवाद की रूपरेखा रखी, और इसी के प्रतिनिधि के रूप में गांधी और नेहरू ने एक प्रकार का इतिहास हमें बताया। दूसरी तरफ से जो राजा नवाब जमींदार जागीरदार थे, उनके साथ कुछ लोग शिक्षित लोग संभ्रांत लोग जुड़ गए, और उन्होंने सांप्रदायिक सोच के ऊपर अपना इतिहास रखा, तो आज वो भी बहुत पावरफुल हैं। उनके पास तो सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप ग्रुप्स है, कितने तरीकों से वो अपने इतिहास की समझ को लोगों तक दूर दूर तक ले जाते हैं। हम जैसे लोग जो छोटे मोटे थोड़े मोड़े हैं, कोशिश करते हैं पर हमारी बहुत पहुंच बहुत कम है, तो ये बात इतनी दूर तक पहुंचती नहीं है। तो ये
विद्यार्थी दोस्तों से मैं अपील करूंगा, एक तो खुद समझने के तरीके में तर्क लाएं और समझ के इस प्रकार की चीजों को समाज में ले जाएं। ये दोनों चीजें जरूरी है कि समाज को केवल समझना ही जरूरी नहीं है, समाज को बदलना भी जरूरी है। और समाज को बदलने के लिए ये जो हम तर्कपूर्ण सोच है, ये सांप्रदायिक राजनीति हिंदू धर्म के नाम पे हो, इस्लाम के नाम पे हो, बुद्ध धर्म के नाम पे हो, ईसाई धर्म के नाम पे हो, ये सब सांप्रदायिक राजनीतियां मध्यम मध्य मध्ययुगीन काल के सामंती मूल्य, ऊंच नीच के मूल्य, राजाशाही के मूल्य, उन मूल्यों को आधुनिक कलेवर में, आधुनिक रूप में सामने रखते हैं। इनका राष्ट्रवाद, भारतीय राष्ट्रवाद से कोई लेना देना नहीं है, इनका उस धर्म के मूल्यों से भी कोई लेना देना नहीं है। ये बात ख्याल कीजिए कि ये धर्म के मूल्यों के आधार पर काम नहीं करते, ये धर्म की पहचान को लेकर काम करते हैं। जैसे तालिबान, उनका मुख्य मुद्दा क्या था? गौतम बुद्ध की मूर्ति को तोड़ना, औरतों को गुलाम बना के रखना। भारत में सांप्रदायिक राजनीति कैसे आई? बाबरी मस्जिद, गौ हमारी माता है, लव जिहाद, घर वापसी। तो ये जो मुद्दे भावनात्मक हैं, ये भावनात्मक है। तर्कपूर्ण तरीके से देखें तो मुझे लगता है भारत के मुद्दे क्या हैं? नौजवानों के लिए रोजगार, किसानों की आत्महत्या को रोकना, रोटी कपड़ा मकान, बिजली सड़क पानी, शिक्षा स्वास्थ्य नौकरी, मानव अधिकार और एक डिग्निटी, इज्जत के साथ जीने का अधिकार, ये हमारे मुख्य मुद्दे हैं। तो अगर हम तर्कपूर्ण तरीके से चलेंगे तो न केवल इतिहास बल्कि आज की राजनीति में भी हम सोच सकेंगे कि हमें उसी तरफ जाना है जो हमको तर्कपूर्ण तरीके से समाज में विकास का रास्ता बता सकते हैं। सर, जी जी आज के लिए सर जो चर्चा आपने स्टूडेंट्स प्लेस पेज पर बहुत महत्वपूर्ण विषय पर जो सवाल आपके सामने समक्ष पेश किए गए उनका बहुत अच्छे ढंग से बहुत लॉजिकल तरीके से आपने उनको रखा, चर्चा की है। हम इसके लिए अपने स्टूडेंट्स प्लेज की टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने कुछ समय, एक बहुत महत्वपूर्ण समय आपने निकाला और यह चर्चा देश के छात्र वर्ग के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। और आखिरी जो प्रश्न का जवाब आपने दिया कि किस तरह से हमें इतिहास को देखना चाहिए, किस तरह से इतिहास को समझना चाहिए, किस तरह के तर्क को हमें खोजना चाहिए, उन पर भरोसा करना चाहिए, ये सभी चीजें आज के छात्रों के लिए इतिहास को समझने में, चाहे वो छात्र इतिहास के स्टूडेंट हों या ना हों, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपने इसको बहुत ही अच्छे ढंग से पेश किया है, रखा है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे सभी श्रोतागणों से आज की इस चर्चा को सुनने, भाग लेने और अपने बहुमूल्य सुझाव, कमेंट पेश करने के लिए आप सभी का धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि आप स्टूडेंट्स प्लेज पेज की इस रे ऑफ होप नाम की जो सीरीज लगातार चल रही है, ये आज 12वां भाग था और ये आगे भी जारी रहेगा। हम आशा करते हैं कि आप इस पेज को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां आप ज्यादा से ज्यादा लोगों में लेकर जाएंगे। इसी के साथ मैं आपका और पुनियानी सर आपका दोबारा से पुनः धन्यवाद करते हुए आज की इस चर्चा का, डिस्कशन को यहीं विराम देते हैं। थैंक धन्यवाद सर।